आप सरसों का खेती करते हैं और सरसों का प्रोडक्शन एकड़ में 10 क्विंटल से कम होता है, या इस साल में आप खेती करते जा रहे हैं और बीज सिलेक्शन करने में आपको दिक्कत हो रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो का माध्यम से हम बेस्ट टॉप 5 सरसों बीज वैरायटी के बारे में बात करेंगे जो 10 क्विंटल से ऊपर प्रोडक्शन देते हैं एकड़ में। साथ साथ में हम कुछ हाइल्डिंग बीज का भी बात करेंगे। हाइब्रिड मतलब एक बार प्रोडक्शन करने के बाद उस बीज से और खेती नहीं कर सकते हैं, या करेंगे भी तो उसमें प्रोडक्शन अच्छा नहीं देगा। और एक है हाइल्डिंग बीज, जो हाइल्डिंग बीज आप कंटिन्यूसली करके जा सकते हैं। तो दोनों टाइप का टॉप बीज के बारे में बात करेंगे। साथ साथ में हम बीज का डिफरेंट गुण होता है वो भी बताएंगे, जैसे कि तेल ज़्यादा निकालते हैं, जिसका प्रोडक्शन ज़्यादा है, जिसका रोग बीमारी का क्षमता बहुत ज़्यादा है, ये सारी चीज़ भी इस वीडियो का माध्यम से आपको बताऊंगा। 5 नंबर में जो हाइब्रिड बीज का बात करेंगे ये है टाटा MJ1। टाटा MJ1 एकड़ में प्रोडक्शन आपको 9 से 10 क्विंटल आसानी से ये दे देते हैं, आप किसी भी तरह से खेती करिए। इसमें देखा जाता है एफिड्स का अटैक बिल्कुल नहीं होता है। देखा जाता है सरसों में माहों का आक्रमण बहुत होता है और इस बीज में ये माहों का आक्रमण ना का बराबर होता है, और ये 125 से 130 दिन का अंदर पाक के तैयार हो जाता है। इसमें तेल का कंटेंट देखेंगे तो 38 से 40 फीसदी तक इसका तेल होता है, और इसका हाइट देखेंगे तो 150 से 160 सेंटीमीटर इसका हाइट होता है। 4 नंबर में जो बीज वैरायटी का नाम करेंगे ये है एडवांटा का 414, एडवांटा 414 बीज वैरायटी। ये भी हाइब्रिड है और इसका भी प्रोडक्शन आप देखेंगे तो 10 से 12 क्विंटल का अंदर है एकड़ में। एडवांटा 414 बीज भी 125 से 130 दिन का अंदर पाक के तैयार हो जाता है। इसका भी ऑयल कंटेंट बहुत ज़्यादा परिमाण में रहता है, 40-45% इसका ऑयल कंटेंट रहता है। इसका पौधा का हाइट भी देखेंगे तो 150 से 160 सेमी का अंदर होता है। तो ये भी एक बहुत बढ़िया बीज वैरायटी है। 3 नंबर में जो बीज वैरायटी का नाम करेंगे ये है बेयर 5222, बेयर 5222। ये भी एकड़ में 10 से 12 क्विंटल प्रोडक्शन दे देते हैं। इसका यदि पीरियड देखेंगे तो 120 से 125 दिन का अंदर पाक के तैयार हो जाता है, और इसका हाइट थोड़ा सा ज़्यादा होता है, 160 से 170 सेमी। इसका भी ऑयल कंटेंट देखेंगे तो 40 to 42 फीसदी तक होता है। 2 नंबर में जो बीज वैरायटी का नाम करेंगे ये सीराम 1666, बहुत अच्छा बीज है और काफ़ी समय से ये प्रोडक्शन देते आ रहे हैं। इसका भी प्रोडक्शन 10 से 12 क्विंटल तक होता है एकड़ में। इसका भी ऑयल कंटेंट 40 to 42 फीसदी होता है, 120 से 125 दिन का अंदर पक के तैयार हो जाता है। 1 नंबर में जो बीज वैरायटी का नाम करेंगे ये पायोनियर 45S46, ये काफ़ी समय से बहुत अच्छा प्रोडक्शन देते आ रहे हैं। इसमें 12 से 13 क्विंटल एकड़ में प्रोडक्शन आ जाता है और ये निश्चित करता है इससे प्रोडक्शन कम ना हो। ये 125 से 130 दिन का अंदर पक के तैयार हो जाता है। इसका हाइट देखेंगे तो 150 से 160 सेमी का अंदर होता है, और इसका जो ऑयल कंटेंट है ये भी बहुत अच्छा है, 38 से 40 फीसदी का अंदर रहता है। अभी जितना बीजों का बात किया है ये सारे बीज हाइब्रिड बीज है, और आगे जाके इसका बीज आप नहीं रख सकते हैं। इसका दाम 1 किलो का 1000 रुपीज है, और एक एकड़ में अराउंड आपको 3 किलो का ज़रूरत होगा। इसको छोड़ के यदि आप हाइल्डिंग बीज लेना चाहते हैं तो RH 725, पूसा मास्टर 26 और बोरुना भी बहुत अच्छा यील्ड देने वाला बीज है, इसको भी आप यूज करके देख सकते हैं। ये सारी बीज यदि आपका आसपास दुकान में नहीं मिल रहे हैं तो आप ऑनलाइन भी इस बीज को खरीद सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है जहां से आप इस बीज को खरीद ले सकते हैं। उम्मीद करता हूं इस वीडियो का माध्यम से आपको कुछ जानकारी दे पाया हूं। ऐसे ही आपको और वीडियो चाहिए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए।